हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेके आई हूँ जो है अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स। अवार्ड्स एंड देयर फील्ड जो है वो स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके में हमेशा जो है एसएससी जीएल एमटीएस वगैरह में हमेशा जो है एक क्वेश्चन आता है अवार्ड्स के ऊपर, अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है। जिस एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तीन तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक अवार्ड्स का नाम पूछा जाता है कि चार नाम दे दिए जाते हैं कि ये अवार्ड कौन सा अवार्ड है उसके बारे में पूछा जाता है, पहला अवार्ड किसको मिला। अभी करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है कि अभी लेटेस्ट अवार्ड किसको मिला, फर्स्ट अवार्ड किसको मिला, ये सब पूछा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ सारे। पहला अवार्ड का नेम है अकेडमिक अवार्ड। अकेडमिक अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं। ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस लिए मिलता है, वो मिलता है एक आर्टिस्ट की पर्सनालिटी को देखते हुए आर्टिस्ट को दिया जाता है टेक्निकल मेरिट पर। मूवी इंडस्ट्री के अंदर इसको देते इसका जो ना एनुअली दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, किसके थ्रू, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंस के थ्रू। कब से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1969 से स्टार्ट। पहला जो फर्स्ट इंडियन ऑस्कर अवार्ड था वो किसको मिला था, वो मिला था भानु आत्ये को। कौन सी मूवी के लिए, गांधी मूवी के लिए। और जो पहला अवार्ड था लाइफ टाइम अचीवमेंट का सिनेमा में, वो किसको मिला था, वो मिला था सत्यजीत रॉय को। सत्यजीत राय को मिला था 1992 में मिला था। ठीक है, तो क्या नाम है, अकेडमी अवार्ड। और दूसरा नेम क्या है इसी का, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अनअकेडमी का। अनअकेडमी में स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। टीयर वन में पूरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी। जैकपॉट जीए के लिए होगा, जैकपॉट सेक्शनल टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर, जो कि होगा किसके थ्रू, ये होगा अरुण अवस्थी। अरुण अवस्थी सर जो है वो कराएंगे। और कब से स्टार्ट होगा, ये होगा 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल बुधवार का दिन है, 4 बजे से चालू स्टार्ट हो जाएगा ये दोपहर के 4 बजे। सो जाइए, ज्वाइन करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो टीयर वन के जीए वगैरह के सारे टेस्ट सीरीज जो है वो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट है अवार्ड जो है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के लिए दिया जाता है। जो पहला अवार्ड भी बताया था अकेडमिक और ऑस्कर अवार्ड, वो मिलता था आर्टिस्ट की पर्सनालिटी के लिए। ये मिलता है इंडियन सिनेमा में जो ग्रोथ कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन किसका है। वो स्टार्ट कब हुआ था, 1969 में। पहला अवार्ड किसको मिला था, मिला था देविका रानी को। नेक्स्ट है नोबल प्राइज। नोबल प्राइज जो है 5 सेपरेटेड प्राइजेस में डिवाइडेड है। 1901 में स्टार्ट हुआ था। पहला फर्स्ट नोबल प्राइज जो मिला किसमें था, फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी मेडिसिन एंड लिटरेचर। किसको मिला था पहला फर्स्ट नोबेल पुरस्कार, इन सब में इसको मिला था स्टॉकहोम स्वीडन, एंड द पीस प्राइज किसको मिला था, क्रिस्टेनिया नाउ ऑस्लो और नॉर्वे। हमेशा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आया था कि इनमें से नोबेल पुरस्कार कौन सी उसमें नहीं दिया जाता फील्ड में, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी मेडिसिन लिटरेचर, इन सब में दिया जाता है। किस में नहीं दिया जाता, मैथ्स में नहीं दिया जाता, मैथ्स मैथमेटिशियन में नहीं दिया जाता था, मैथ्स के अंदर। मैथ्स में पुरस्कार किस में मिलता है, मिलता है एबल में। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। मैथ्स क्वेश्चन अगर आता है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर करूंगी, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि ये हमेशा आता है। इंडिया में देख लेते हैं, इंडिया में नोबेल पुरस्कार जो है वो कौन सी फील्ड में कब और किसको मिले थे। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर में 1913 में। सी वी रमन को मिला था फिजिक्स में 1930 में। मदर टेरेसा को मिला था पीस में 1979 में। अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक स्टडीज में 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को मिला था पीस में 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कब, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, 2 जनवरी 1954 को। एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस ऑक्यूपेशन पोजिशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। ठीक है, 1952 में पहले कौन थे, पहले मिले थे जिनसे, वो है सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन था, कौन सा अवार्ड था, वो था भारत रत्न। दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण। चार होते हैं, भारत रत्न पहला, पद्म विभूषण दूसरा, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्म श्री। ठीक है, तो दूसरा हाईएस्ट सिविलियन क्वेश्चन आता है कि नेम द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो क्या है, पद्म विभूषण। कब, ये भी सेम डेट को स्टार्ट हुआ था, 2 जनवरी 1954 को। दिया किसलिए जाता है, एक्सेप्शनल एंड डिस्ट्रिक्शन सर्विस के लिए। ऑल पर्सन विदाउट द डिस्ट्रिक्शन ऑफ रेस ऑक्यूपेशन पोजिशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड, सेम जो भारत रत्न के लिए।
पहला अवार्ड जो है वो किसको मिला था, वो मिला था जाकिर हुसैन, सत्येंद्रनाथ बोस और नंदलाल बोस को। नेक्स्ट है पद्म भूषण। पद्म भूषण कौन सा है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये किसके बाद आता है, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद, और किसके पहले आता है, पद्म श्री के। ठीक है, सेम डेट को 2 जनवरी 1954 को, तो 1954 में शांति स्वरूप भटनागर को कहां, यूपी में, महादेवा अय्यर गणपति उड़ीसा, जनान चंद्र घोष वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पद्मश्री, पद्मश्री जो है वो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। किसके बाद आता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ये लाइन है, ये लाइन वाइज आपको याद करना होगा। भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट है, पद्म भूषण जो है थर्ड है, और पद्मश्री जो है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किसके द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हर साल दिया जाता है, कब, इंडिया रिपब्लिक डे पर। पद्म अवार्ड्स फॉर इंस्टीट्यूट इन 1954। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग एक्टिविटीज में है, लाइक आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, एक्टिंग, मेडिसिन, सोशल सर्विस एंड पब्लिक अफेयर्स। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को ह्यूमन राइट अवार्ड्स है, किसके थ्रू प्रेजेंट करा जाता है, यूनेस्को के थ्रू ही प्रेजेंट किया जाता है, फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस। हर एक साल छोड़ के दिया जाता है, ऑल्टरनेट ईयर्स में दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है अर्जुना अवार्ड्स। अर्जुना अवार्ड्स जो है वो 1961 में स्टार्ट हुआ था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के थ्रू दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले जो रिसिपेंट थे अर्जुन अवार्ड के वो कौन थे, कृष्णदास। कृष्णदास को कौन सी फील्ड में मिला था और कब मिला था, आर्चरी में मिला था 1961 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसको ऑफिशियली क्या नाम दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फॉर्मली नेम क्या है इसका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किसमें, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। अवार्ड किसके थ्रू दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के साथ। ठीक है, पहले रिसिपिएंट कौन थे इसके, चेस ग्रैंड मास्टर थे कौन, विश्वनाथन आनंद। किसमें मिला था इन्हें, चेस में, ग्रैंड मास्टर थे किसमें, चेस में। और 1991 और 92 ईयर में मिला था। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड है वो किसमें मिला था, वो मिला था अकेडमिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, 2000 में स्टार्ट हुआ था। और पहले कौन थे, पहले अवार्डी थे प्रोफेसर सी के प्रहलाद। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है वो किसमें कब मिलता है, वो मिलता है 1951 में स्टार्ट हुआ था। इट इज गिवन फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया। इट इज द हाईएस्ट इंडियन रिकॉग्निशन गिवन टू प्रैक्टिसिंग द आर्टिस्ट। द अवार्ड अर्लियर इन 2003 50,000 रुपए का मिला था पहला अवार्ड जो है वो 2003 में, और 2003 में अभी। ठीक है, और फर्स्ट अवार्ड जो है वो कब मिला था, 52, और लास्ट अवार्ड कब मिला, 2018 में। एबल प्राइज जो है वो एनुअली मिलता है आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल मैथमेटिशियन। मैंने अभी आपको बताया था कि नोबेल प्राइज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोबेल प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ का है, मैथ में नहीं दिया जाता, क्योंकि मैथ का जो अवार्ड है वो एबल प्राइज है, एबल प्राइज है। और जो इंडियंस थे वो कौन है, एक इंडियन है, वो है श्रीनिवास वर्धन। वर्धन ने कब लिया था, ये थे 2 जनवरी 1940 में पैदा हुए थे, कहाँ पर, मद्रास में। इंडियन मैथमेटिशियन अवार्ड मिला था इन्हें कब, इन्हें मिला था 2007 में नॉर्वे अकेडमी के थ्रू। ठीक है, डेविएशन वाली थ्योरम के लिए। ग्लैंट्री अवार्ड, ग्लैंट्री अवार्ड जो है वीरता का पुरस्कार होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ब्रेवरी का अवार्ड मिलता है। ठीक है, सेक्रीफाइस जो करा होता है, जिन्होंने आर्म फोर्स के अंदर जो जॉब होते हैं सिविलियंस फोर्सेस के अंदर, उनको मिलता है। एक साल में 2 बार मिलता है, पहला अवार्ड मिलता है रिपब्लिक डे पर, दूसरा अवार्ड मिलता है इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है, ये 4 अवार्ड्स अलग अलग होते हैं जो मिलते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र। परमवीर चक्र होता है ब्रेवरी अवार्ड होता है, महावीर चक्र जो है वो सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड होता है, वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट, अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स गेम्स किसके थ्रू दिया जाता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू आ जाता है। कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 1985 में ये स्टार्ट हुआ था। जो पहले अवार्ड लेने वाले थे वो कौन थे, भालचंद्र भास्कर भागवत, किन्हें किस में मिला था, इन्हें रेसलिंग में मिला था। ओम प्रकाश भारद्वाज जो है उन्हें बॉक्सिंग में मिला था, और ओ एम नैम्बियर जो थे एथलेटिक्स में मिला था। कब, 1985 में। नेक्स्ट अवार्ड है महात्मा गांधी पीस प्राइज। महात्मा गांधी पीस प्राइज जो है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज है, जिसको नाम दे दिया गया था महात्मा गांधी
पीस प्राइज जो किसके हर साल दिया जाता है, किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। एक ट्रिब्यूट है किसके लिए? गांधी के लिए। बाय ट्रिब्यूट है बाय गांधी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज इन 1995 ऑन द ओकेशन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोहनदास गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो लिटरली ऑनर इन इंडिया विच द साहित्य अकादमी बुक्स फॉर लिटरली मेरिट पब्लिश इन एनी ऑफ द 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस सच एज तमिल, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी एंड द 22 लिस्टेड लैंग्वेजेस। साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है कब? पहला कब दिया गया था? 1954 में। पहले लेने वाले कौन थे? आर के नारायण। कौन सी नॉवल के लिए? द गाइड के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है आर डी बिरला अवार्ड। कौन सी फील्ड में मिलता है? मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में मिलता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1979 में। नेक्स्ट एंड लास्ट अवार्ड्स हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है हर साल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोइट्री लिटरेरी वर्क्स इन द एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया लिस्टेड इन द स्केड्यूल 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको नाम दिया गया था आफ्टर एन इंडियन गॉडेस ऑफ नॉलेज। सरस्वती सम्मान वॉज इंस्टीट्यूटेड 1991 बाय द के बिरला फाउंडेशन। पहले रिसिपिएंट कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। अर्जुना अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर। सेकेंड हाइएस्ट सपोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया द हाइएस्ट बींग द खेल रत्न अवार्ड। पहले रिसिपिएंट अर्जुना अवार्ड के कौन थे? कृष्णदास थे। कौन सी फील्ड में मिला? आर्चरी फील्ड में मिला था। 1961 में मिला था इन्हें। तो अभी तो इतनी अवार्ड्स हैं जो मेन हैं वो कवर करे हैं मैंने। इसके बाद जो है मैं कवर करूंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं खेल रत्न अवार्ड्स के ऊपर, खेल रत्न अवार्ड्स के ऊपर और जो भी सारे अवार्ड्स हैं उनके ऊपर वो सारे क्वेश्चंस प्री कवर करके वो वीडियो आपको दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी यही वीडियो होगी तो मैं आपको बता दे रही हूँ। और हमारा फेसबुक ग्रुप नेम है SSC कोर, आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है SSC कोर 123, जिसमें आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी जो करंट में एग्जाम्स आ रहे हैं उनके बारे में भी। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।